क्लास 12 के बच्चों ने फर्स्ट टर्म का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट किया हुआ है और सेकेंड टर्म के एग्जाम की प्रिपरेशन में जी जान से लगे हुए हैं और साथ ही प्रैक्टिकल्स को लेकर के कई सवालों से घिरे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल का सिलेबस खंगालने में लगे हैं, कुछ रिकॉर्ड्स कंप्लीट करने में लगे हैं। कईयों के मन में सवाल चल रहा है कि प्रैक्टिकल में वाइवा होगा और अगर वाइवा होगा तो एक्सटर्नल आएगा और एक्सटर्नल को लेकर के कई सवाल, जैसे एक्सटर्नल सीधा होगा या टफ होगा और वो सवाल कैसे कैसे पूछेगा, चैप्टर से पूछेगा या प्रैक्टिकल से पूछेगा, और अगर प्रैक्टिकल से पूछेगा तो कौन से प्रैक्टिकल से पूछेगा, और यदि चैप्टर से पूछेगा तो कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, एग्जामिनर टफ क्वेश्चन पूछेगा या इजी क्वेश्चन पूछेगा, और यदि टफ क्वेश्चन पूछेगा तो कितने टफ क्वेश्चन पूछेगा। इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल्स के सिलेबस के बारे में बात करता हूं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जो प्रैक्टिकल्स आप लोगों को करने हैं वो केवल दो ही प्रैक्टिकल्स करने हैं। एक है डिटरमिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड और दूसरा है डिटरमिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट फेरस अमोनियम सल्फेट। अब मैं आता हूँ सॉल्ट एनालिसिस में, जिसमें आपको कैटायन और एनायन आइडेंटिफाई करने हैं। मेरे अनुभव के मुताबिक जो भी सॉल्ट प्रैक्टिकल में दिया जाता है वह कलरलेस सॉल्ट दिया जाता है ताकि बच्चे आसानी से सॉल्ट को आइडेंटिफाई ना कर सकें। यदि कलरफुल सॉल्ट दिया जाता है तो कुछ ही कलरफुल सॉल्ट हैं जो आसानी से प्रैक्टिकल में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, इसी वजह से कलरफुल सॉल्ट को अवॉइड किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वाइवा। मेरे अनुभव के मुताबिक मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो अधिकतर बच्चे करते हैं वो जो भी प्रैक्टिकल्स आंसर शीट में लिखते हैं उन्हें यह भी नहीं पता होता उन्होंने लिखा क्या है। जैसे ही एग्जामिनर इधर उधर हुआ मौका पाते ही रिकॉर्ड बुक में ज्यों का त्यों प्रैक्टिकल एग्जाम शीट में उतार देते हैं और सही पूछें तो एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप ये गलती करें ताकि वाइवा के दरमियान आपकी मिस्टेक पकड़ी जा सके। याद रहे जो भी आप लोग अपनी एग्जाम शीट में प्रैक्टिकल्स लिखते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट किया हुआ है तो आपको मोहर सॉल्ट का फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर आपने टाइटेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट अगेंस्ट ऑक्जेलिक एसिड या फेरस अमोनियम सल्फेट किया हुआ है तो इन केमिकल्स के नाम, ऑक्सीडेशन नंबर, पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, ये कॉमन इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अगर आपने जो भी एग्जाम सीट में लिखा है और वही आप एग्जामिनर को आंसर नहीं कर पाते हैं तो ये समझ लीजिए आप शुरुआत में ही बहुत बुरा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब मैं आता हूं थ्योरी पोर्शन के बारे में। जो सिलेबस सेकेंड टर्म में आपको कंप्लीट करने हैं वह है केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। एग्जामिनर को यदि थ्योरी से क्वेश्चन पूछना है तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा बेटा आप किस चैप्टर में अच्छे हो, तो आपको एक ऐसे चैप्टर का नाम लेना है जिसमें आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर एग्जामिनर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो मेरे सजेशन के मुताबिक आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने के लिए बोलें, और अगर एग्जामिनर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है तो 90% ऑफ द केसेज वो क्वेश्चन या तो नॉमिनक्लेचर से पूछेगा या तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछेगा। इन क्वेश्चंस को आसानी से आंसर किया जा सकता है। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा करके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेरे मुताबिक आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेराइवेटिव को सिलेक्ट करिए। इस चैप्टर की खास बात यह है कि एग्जामिनर तुरंत एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स से क्वेश्चन पूछेगा जो आसानी से आंसर किए जा सकते हैं। इस चैप्टर में रिएक्शंस भी कोई खास डिफिकल्ट नहीं है और ना ही ज़्यादा मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं। दूसरे चैप्टर से जैसे एल्डिहाइड और कीटोन
या अमाइंस में गुड नंबर ऑफ रिएक्शंस दिए हुए हैं जहां से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पिक किए जा सकते हैं और गुड नंबर ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म से भी दिए हुए हैं। अगर बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंडक्टिव इफेक्ट लगा करके आप क्वेश्चंस को आसानी से आंसर कर सकते हैं। एज एन एक्सटर्नल मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कुछ बच्चे जब क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते हैं तो एग्जामिनर से पर्सनली मिंगल होने की कोशिश करते हैं, जैसे सर आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं, सर मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, मैं भी आपकी सिटी से बिलोंग करता हूँ, कुछ देख लीजिए ना सर, वगैरह वगैरह। मैं आपको बता दूँ इन सब चीज़ों का मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। एग्जामिनर मन बना करके एक या दो मार्क्स इंक्रीज कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो क्वेश्चंस को ऑनेस्टली आंसर करिए। अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम है तो आप एक्सटर्नल को बोल करके कोई दूसरा क्वेश्चंस पूछने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि ऐसा करने पर बैड इंप्रेशन पड़ेगा, बिलीव मी एग्जामिनर विल हैप्पली आस्क द अनदर क्वेश्चन। अगर आप एग्जामिनर को वाकई में खुश करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस का आंसर करिए। मेरा विश्वास मानिए, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है कि कुछ बच्चों ने सभी क्वेश्चंस का आंसर कर दिया या मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। हालांकि मार्क्स डिस्क्लोज करना CBSE के गाइडलाइंस के विरुद्ध है, पर फिर भी मैंने बच्चे को बोला कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स दूंगा। आई एम सेटिस्फाइड बाय योर परफॉर्मेंस। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चों ने टाइट्रेशन की रिएक्शन आंसर शीट में लिखी है जो एसिडिक मीडियम में कराई जाती है और सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला नहीं बता पाते हैं। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो एग्जामिनर वाइवा के दरमियान पूछ सकता है। पहली बात, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ करके आपके नॉलेज का लेवल आसानी से पता कर लेता है और सही पूछे तो वाइवा के मार्क्स 2 या 3 क्वेश्चन से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। अगर आप अच्छा आंसर करते हैं तो फॉर्मली एग्जामिनर 7 to 8 क्वेश्चंस या बियॉन्ड 12 क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स हैं प्रैक्टिकल्स को लेकर के सॉल्व हुए होंगे। फॉर एनी क्वेरी आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।